नैपकिन वाली देखिए जरूर। ये पूरा सर अपना जो मेकिंग बहुत सारे प्रोडक्ट के पास इवन फॉर बिहार उड़ीसा। सर ये पॉलिथीन बैग प्रिंटर मेरे बैग देखिए, हमने तो जो हमारे मंत्रालय से संबंधित है, खादी ग्रामोद्योग से संबंधित जो निर्मित माल हैं वो NSIC में जो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं वे, और क्वायर इंडस्ट्री, इन सब का हमने भ्रमण करके देखा है। और मैं बड़े विश्वास साथ कह सकता हूँ कि हमने जो मेक इन इंडिया की बात कही है और मेक इन इंडिया पर सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय ने विशेष रूप से ध्यान दिया था, और उसके ध्यान देने का परिणाम ये हुआ है कि इनोवेशन के आधार पर खादी ने भी अपने उत्पाद को बढ़ाया है। और उसे मैं कह सकता हूँ कि डेनिम जीन्स की कोई कल्पना नहीं कर सकता था खादी के अंदर, टी शर्ट की भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमने टी शर्ट, डेनिम जीन्स और निफ्ट से संबंधित लोगों को लाकर हमने डिज़ाइनिंग की भी बात की थी। तो ये एक नए प्रकार का स्वरूप रहा है। जो डिज़ाइन बने हैं उसके कारण भी एक आकर्षक वह खादी का प्रोडक्ट बना है, और जिस कारण लोग आ रहे हैं। इसी ढंग से क्वायर इंडस्ट्री के अंदर केवल मात्र चटाई बनाना या यही नहीं है, अब हमने तो उसमें यहाँ तक कर दिया है कि घर में अगर रूम में बेड भी करना है तो बेड भी क्वायर का, गद्दा भी क्वायर का, और सोफ़ा भी क्वायर का। मैंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वायर इंडस्ट्री के कारण आप पूरा मकान भी बनवा सकते हैं, टाइल्स भी क्वायर का। ये इनोवेशन के आधार पर नई नई चीज़ें जो हमने डेवलप किया है, और केवल इतना नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के दृष्टि से भी क्वायर के हम फर्टिलाइजर्स भी तैयार कर रहे हैं। क्वायर के कारण अगर हम मकान के छत पर हरी हरी घास लगाना चाहते हैं तो क्वायर के रेशे से उसको भी हम निर्माण कर सकते हैं। इको फ्रेंडली जितना भी कार्य हो सकता है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की बात की है, क्वायर इंडस्ट्री में भरपूर हम देख सकते हैं। इसी ढंग से MSME के अंदर हम घूम करके जब देखे हैं तो उसमें भी जो हमारे विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, उन उद्योगों को देख करके हम कह सकते हैं कि लगातार हमारी जो स्कीम्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर हमने जो चीज़ें की हैं उसका लाभ मिला है। अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है, चाहे उद्योग आधार मेमोरेंडम के आधार पर कह लीजिए, और चाहे रिवाइवल रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस के आधार पर हमने उनको जागृत करने का प्रयास किया है उसको कह लीजिए, और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत जो हमने मैंडेटरी कर दिया है कि 20% प्रोक्योर करेंगे ही PCUs, उसके कारण भी लोग काफ़ी आए हैं। और NSIC के अंदर पूछे हो तो ज़रा सुन लो, NSIC के अंदर हमने वो सारी चीज़ें जो एस्पायर स्कीम हमने एक चालू की थी, और एस्पायर स्कीम का मतलब है ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके आधार पर NSIC ने काम किया है। उन्होंने इनोवेशन के आधार पर नई नई मशीनें खड़ी की, और इनक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत छोटे दाम की मशीनें, चाहे मसाला बनाने हो, चाहे बेकरी वाली हो, चाहे टाइल्स वाली हो, चाहे आपका नेपकिन वाली हो, चाहे विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स के आधार पर छोटे छोटे आधार पर काम करने वाली मशीनें हों, चाहे सोयाबीन से दूध निकालने हो, पनीर बनाने वाली हों, ये सारी मशीनें यहाँ हमने देखा है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेक इन इंडिया के नारे को चरितार्थ करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश का आह्वान किया, उसमें हमारा मंत्रालय बड़ा प्रभावी तौर पर लगा, और उसका परिणाम हुआ चाहे खादी हो, चाहे ग्रामोद्योग हो, चाहे क्वायर इंडस्ट्री हो, और चाहे NSIC हो, सबने इसको करके दिखाया है। यह इस बार के
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का ये विशेषता है। मेक इन इंडिया की थीम को हमने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है।